गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, आई एम बैक टू माय रूटीन। मॉर्निंग वॉक से अभी लौटा हूँ। टू कोल्ड और अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:15 हो रहा है। सो अच्छे हो रहा है, लौट के आया मॉर्निंग वॉक से। घूप अंधेरा है बाहर, आज तो काफ़ी अंधेरा है। आई डोंट नो, मे बी बादल छाया हुआ है इसलिए वैसा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ही कुछ नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ा मुश्किल हुआ आज मॉर्निंग वॉक करने को। आई थिंक हमारे सोसाइटी के लाइट्स भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई आज। आज थर्सडे है, आज मेरा थर्सडे का पूजा होता है। काफ़ी हेक्टिक दिन होता है आज, क्योंकि आज ऑफिस में भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं और आज पूजा भी होता है सुबह सुबह। देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, आपसे बात करते रहूंगा। लेट्स स्टार्ट आवर डे। सो फाइनली पूजा फिनिश कर लिया नहा होकर। थर्सडे है तो थोड़ा, जैसा आपको बताया था, बहुत बिजी होता है, पूजा वगैरह होता है। कि रहा मेरा पूजा, आपको दिख पा रहा होगा। तो मैं बृहस्पतिवार पूजा करता ही हूँ, और पहले तो व्रत भी रखता था, अभी व्रत छोड़ दिया है। ये तो पहले मैं हफ्ते में एक दिन बृहस्पतिवार को व्रत किया करता था, वो एक रूटीन बना रखा था मैंने, डिटॉक्सिफिकेशन का एक तरीका, अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए करता था। पर अभी फिलहाल नहीं, बंद कर रखा है क्योंकि थोड़ा गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी। सो इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ। आज ऑफिस में भी काम बहुत ज़्यादा है। थर्सडे को और फ्राइडे को नॉर्मली हमारा सारा रिपोर्टिंग होता है, तो क्योंकि मैं डिलीवरी मैनेजर हूँ तो काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, क्लाइंट को भी आना पड़ता है। देखता हूँ अभी मैं बनाऊँगा सारे रिपोर्ट्स। दो तो मैंने बना लिए, दो भेज दिए, बाकी और देखता हूँ। और हाँ, मैं न्यूज़ देख रहा था मैं, और इंडिया ने RRR के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है म्यूज़िक में। सच नाइस फीलिंग कि हमारे म्यूज़िक को बाहर भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मुझे ऐसा फील होता है हमारा कंट्री बहुत रिच है म्यूज़िक में। आई मीन एशियन कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, चाइना, दे आर ऑल वेरी रिच। उस तरह की पॉपुलैरिटी मिल नहीं पाती है नॉर्मली, जो मिलनी चाहिए बाहर की कंट्रीज में। बट इस साल गोल्डन ग्लोब में अवार्ड जीता RRR ने, तो अच्छा लगा। मुझे याद है जब रहमान साहब ने ऑस्कर जीता था स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए, काफ़ी अच्छा लगा था। बस आई वाज इन US दैट टाइम, आई वाज वेरी फीलिंग वेरी प्राउड। अच्छा लगता है राजमौली जी ने मूवी बनाई थी, और गुड MM Cream की म्यूजिक था, काफी अच्छा लगा वो देखकर। ग्रेटफुल फीलिंग टू बी ऑनर्ड विद सच ए गुड अवार्ड। लेट्स सी, ऑस्कर्स के लिए भी हमारे नॉमिनेशंस जा रहे हैं, एंड क्या होता जो भी हो, बट now our movies are being, and our literature and art is being recognized everywhere, because I see a lot of people in literature as well getting lot of awards. So acha lagta hai dekhkar. Isi tarah aage badhna chahiye country ko, country progress karega to hum bhi progress karenge. Chaliye, enough of talking, let's get back to work. Milta hu thoda thoda der mein.
ऑलरेडी मुझे पिंग आना शुरू हो गया। सी या। तो गाइस सुबह मिलते हैं तो शाम के 4:30। काफ़ी काम था आज ऑफिस का। नॉर्मली मेरा थर्सडेज बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि हफ्ते भर की रिपोर्ट देना और क्लाइंट को भी रिपोर्ट भेजना, बिजनेस को रिपोर्ट करना, काफ़ी काम होता है। डेटा इकट्ठे करने में काफ़ी टाइम लगता है। आज थोड़ा फाइनेंस रिव्यू भी था तो उसमें भी टाइम लगा। आज वैसे मौसम बहुत अलग सा है, मतलब नॉर्मल जैसा नहीं है। अभी धूप खिली हुई है पर बहुत आलस आ रहा है आज, बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है। कुछ भी करने का मूड नहीं हो रहा है। मेरा तो मन कर रहा है बिल्कुल अभी सब बंद करके सो जाऊँ, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मैं ट्रॉल उठा सकता। थका हुआ महसूस कर, आई डोंट नो मौसम की वजह से या कुछ और कारण है, बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। देखते अभी सोना तो नहीं, दोपहर में सोने की आदत नहीं है, बचपन से नहीं आदत नहीं डालना चाहता दोपहर में सोने की, बिकॉज अगर दोपहर में सोऊंगा तो फिर रात को ढंग से नींद नहीं आती है, फिर सुबह उठने में देर होती है, और सुबह हैबिट में चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि सुबह उठ के रियाज करना मुझे बहुत हेल्प करता है। सो दोपहर में सोना कैंसिल। बाकी आज बाहर गया था अपने स्कूल लेने वापस, तो एक बच्चे को देखकर बहुत ही बुरा लगा। बच्चे को काफ़ी हाई फीवर था बट पेरेंट्स ने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया था एंड शी वॉज फेंटेड इन द बस। कभी उसके पेरेंट्स आए थे उनको लेकर गए, कभी दया लगी देख, कभी खराब हालत में थी बच्ची। मामली अभी कोविड के बाद थोड़ा सा डर भी लगता है इन सब चीज़ों को देखकर। कोविड ने इस तरह का शॉक दिया है कि पता नहीं चलता कब किसी को क्या बीमारी हो जाए। कैसे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं जो बहुत ही डर लगता है। मेरे क्लोज रिलेटिव में एक छोटा सा बच्चा है, उसको कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा ज़्यादा मैगी खाने से। आई कॉन्ट बिलीव इट, मैगी खाने से कैंसर, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो अभी बहुत ज़रूरत है हम सबको अपना ध्यान रखने के लिए, अपनी सेहत को ढंग से रखने के लिए, बिकॉज आजकल कोविड के बाद सबकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रखी है, कब उसको क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए हम सबको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। माइंडेड कोविड अभी गया नहीं है और कभी जाएगा भी नहीं, कोविड विल स्टे विद अस। अलग अलग वेरिएंट्स आते रहेंगे, जब कभी कोई डेंजरस वेरिएंट आएगा तो हम सबको उस समय कॉशियस रहना पड़ेगा, शायद लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल वेरिएंट आएगा तो भी हम तो लिव विद इट, हम लोग को इसी तरह से लाइफ बनानी होगी, देयर इज नो एस्केप। सो दैट्स हाउ लाइफ हैज़ टू बी, कुछ नहीं कह सकते। कल मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट की है, आज से मुझे एक नई ट्रेनिंग शुरू करनी है। मुझे लगेंगे 10 दिन लगेंगे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में। नई नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़रूरी होता है आईटी फील्ड में इन सब चीज़ों को करने के लिए। और अभी मेरे आँख का पावर भी बढ़ा हुआ है, मुझे अपने आँख का भी चेक करवाना होगा, लगता है मेरे अपने चश्मे का पावर बढ़ गया है। शायद आप लोग मुझे पहली बार चश्मे को देख रहे हैं, ज़्यादा पावर नहीं है अभी तो 1.25 ऐसा कुछ ही है, बट काफ़ी तकलीफ होती है अगर ना पहनो तो। मैं कोशिश करता हूँ कि आगे ना और ना बढ़े, इसलिए जब भी मैं लैपटॉप पर काम करता हूँ, चाहे पढ़ाई करता हूँ तो या टीवी देखता हूँ तो मैं पहन लेता हूँ। तो मामले मुझे मायोपिया है तो नज़दीक की चीज़ों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, दूर की चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट सिर्फ ट्राई करता हूँ कि अपने आप को थोड़ा बचा के रखूँ। ठीक है तो चलिए मैं अपने बाकी का काम खत्म करता हूँ, फिर शाम को आपसे मिलता हूँ रियाज पर। सो फ्रेंड्स, आज का दिन ऐसा ही रहा, ज़्यादा कुछ किया नहीं,
ऑफिस का काम भी काफ़ी था, काफ़ी बिजी रहा दिन भर, ज़्यादा कुछ अलग से कुछ कर नहीं पाया। आज का दिन तो खैर यही ख़त्म होगा, कुछ ज़्यादा था नहीं आपको दिखाने के लिए। कल लोहरी है, सो कल लोहरी सेलिब्रेट करेंगे। कल हमारे यहाँ काफ़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट होती है, तो कल मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हमारे यहाँ लोहरी सेलिब्रेट होती है। सो संक्रांति पर आप कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, जल्दी आपको पता चलेगा, आने वाले कुछ ब्लॉग्स में आपको देखेगा। कुछ यूनिक सा प्लान है, मज़ा आएगा। सो देखते हैं, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं यार दिखाने को। सो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, आप लोग से कल के ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लोग को जोड़ें, और नोटिफिकेशन चैनल पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आने वाले वीडियोस के। बाकी कल के वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी डायरेक्ट दिल से के एक नए चैनल पर। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ बखैर, जय हिंद।